हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द क्लास. सो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपका वो हम लोग बनाते हैं. ठीक है, क्या बेसिक स्ट्रेटेजी होती है. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे. ये लेक्चर आपका बेसिक लेक्चर होगा सेकंड, जिसमें थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ जाएंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग सैंपल कलेक्ट करके डीएनए आइसोलेट करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे. देन यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी आपको. देन किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप होता है ये मैं आपको करवाऊंगी. एंड देन स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सारे स्टेप थोड़े से इलेबोरेट करेंगे. और नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट में नोट्स लेके आ जाऊंगी. ठीक है, तो आपके दो लेक्चर होंगे बेसिक के, एक प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज ये भी आपका बेसिक लेक्चर ही है. उसके बाद में फिर मैं आपको जो पीपीटी है वो इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप रीड कर लेना. जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी. देन मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी. इसके इसके जो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं क्लोनिंग के, वो क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, क्लोनिंग का एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ठीक, इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा, देन क्वेश्चन का लेक्चर आएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपने स्टेप क्या किया था, सैंपल को कलेक्ट किया था, तो उसमें तो कुछ आपको बताने की नीड है नहीं. सैंपल कलेक्ट कर लेना है आपने. जैसे आपने उसमें हेयर फॉलिकल लिया था, तो हेयर फॉलिकल लिया आपने, सैंपल लिया, उसके बाद क्या किया था आपने, डीएनए आइसोलेशन. नेक्स्ट क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए आइसोलेशन कैसे किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो डीएनए आइसोलेशन के लिए आपको पता है कि आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में एक सेल है. ठीक है, ये आपके पास में क्या है, सेल है. सेल में क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है. इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है. यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंगस के केस में क्या होता है. ये क्या है आपकी, ये है आपकी सेल वॉल. और ये क्या है आपकी, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल अगर हम लोग फंगस के केस में बात करें, तो आपको ये पता होगा कि जो फंगस की सेल वॉल होती है किससे मिलके बनी होती है. फंगल सेल वॉल जो होती है आपकी, वो मिलके बनती है काइटिन से, मेड अप ऑफ काइटिन. तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके लिए पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा, पहले आपको हटाना पड़ेगा सेल वॉल. ठीक है, अगर फंगस है तो फंगस का सेल वॉल हटाने के लिए, सेल वॉल किससे मिलके बना है, काइटिन से. पहले इसको क्लीव करोगे आप, तो क्लीव करने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्लीव करने के लिए काइटिन एज किसकी रिक्वायरमेंट होगी, काइटिन एज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर, अगर इसकी जगह पर ये सेल वॉल आपकी, लेट सपोज ये आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल है, किसकी है, बैक्टीरियल सेल वॉल. तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलके बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से. किससे मिलके बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन से.
पेप्टिडोग्लाइकेन को क्लीव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन को क्लीव करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी? लाइसोजाइम। अगर ये बैक्टीरिया ना होके ये आपका क्या है, ये आपका प्लांट है, ये आपका क्या है, ये आपका प्लांट है। तो प्लांट का सेल वॉल किससे मिलके बनता है? प्लांट में जो सेल वॉल है वो आपका सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बनता है। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को क्लीव करने के लिए, इस सेल वॉल को क्लीव करने के लिए जो सेल्यूलोज से मिलके बनी है, आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? सेल्यूलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास में सैंपल में, चाहे प्लांट का सैंपल हो, चाहे बैक्टीरिया का, चाहे फंगल का, तो फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको बता दिया। एक बेसिक सा क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए। चलो अगर आप, आपका बेसिक क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करना। जो एनिमल होते हैं, एनिमल के सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ए ऑप्शन है लाइसोजाइम, बी ऑप्शन है प्रोटीज, सी ऑप्शन है सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल, सी ऑप्शन ए है। ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, फर्स्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल, आउटर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन ये है। तीनों में से एक ऑप्शन बताइएगा आप मेरे को, ठीक है? मेरे को आपका बेसिक चेक करना है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, क्योंकि ये तो सिक्स सेवन्थ के बच्चों को भी पता होता है, ठीक है? तो इसका जवाब दे दीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन में कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, बस ऑप्शन ही लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं एनिमल का। तो मैंने यहीं पर क्या कर दिया, एनिमल का जो क्वेश्चन है, एनिमल के सेल वॉल से रिलेटेड, वो मैंने ड्रॉप कर दिया है क्वेश्चन, उसका आंसर आप मेरे को बताना कॉमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट लेयर क्या है? नेक्स्ट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी लिपिड बायलेयर है, लिपिड से मिलकर बनती है। तो इस लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए, इस लेयर को क्लीव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लाइपेज एंजाइम की, जो क्या करेगी, इस लेयर को क्लीव कर देगी, ठीक है? अब थोड़ा सा, अब आपने सेल वॉल हटा ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दी, अब सेल के अंदर राइबोसोम वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए जो है फिर वो बाहर आ जाता है ट्रांसलेशन के लिए, तो यहाँ पर आरएनए भी पड़ा होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं प्रोटीन भी होगा, कहीं ना कहीं क्या भी होगा, प्रोटीन भी होगा आपके साइटोसोल में। तो जो आरएनए है, इस आरएनए को क्लीव करने के लिए किसके रिक्वायरमेंट होती है? आरएनएज की। तो आरएनएज भी हट गया रस्ते से आपके। फिर प्रोटीन को क्लीव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन को क्लीव करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? प्रोटीएज की, प्रोटीएज की। फिर आप पहुंचते हो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है आपका? डीएनए। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है आपका डीएनए, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहां पर ड्रॉप करती हूँ। क्या डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपको डीएनए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी? बताइएगा कि क्या डीएनए को क्लीव करने के लिए डीएनए एंजाइम की रिक्वायरमेंट, सॉरी, क्या डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, अब आपको डीएनए आइसोलेट करना है, जो जो चीज आपको नहीं चाहिए थी आपने क्लीव कर दिया हर चीज को, और आपका जो डिजायर्ड है आप वहां पर पहुंच गए, डीएनए तक आप पहुंच गए। किस डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, इस डीएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए आप डीएनए की हेल्प लोगे?
ये क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर रही हूँ मैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना कि डीएनए एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए एंजाइम क्या काम करती है। चलिए मैं बता ही देती हूँ, डीएनए एंजाइम डीएनए के टुकड़े टुकड़े करती है, ठीक है, तोड़ती है डीएनए को, लेकिन हमें तो डीएनए आइसोलेट करना है, डीएनए चाहिए हमें, तो डीएनए एंजाइम की हम लोग यहाँ पर हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगी वो, तो हमें तो डीएनए चाहिए। तो डीएनए यहाँ पर हमें मिल गया, और इस डीएनए को, डीएनए ये ऐसे ही यहाँ से नहीं आ जाएगा, इसको आइसोलेट करने के लिए हमें चिल्ड इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ पिएगा ये, फिर आएगा ये चिल्ड इथेनॉल पिएगा, उसके बाद में फिर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड हमें मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और डीएनए स्ट्रैंड का ये प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड का मिलना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको बोलते हो स्पूलिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है इसको? स्पूलिंग प्रोसेस। क्लियर। अब आपके पास आ गया आपका डीएनए, लेकिन डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, उसको फ्रेगमेंट फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करते हो, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो इसके लिए आप किसकी हेल्प लेते हो? मॉलिक्यूलर सीजर की, कैंची की हेल्प लेते हो, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको क्या बोलते हो आप, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि, जैसे यहां से इसका नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि देखो वायरस जो है, बैक्टीरियोफाज ने अपना डीएनए क्या किया, अपना डीएनए जो है इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसके वायरस के डीएनए को ग्रो नहीं होने दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसकी ग्रोथ को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसने वायरस के डीएनए की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपकी जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? हिंद सेकेंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि फर्स्ट डिस्कवर हुई थी, कौन सी हुई थी? हिंद सेकंड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया जो है, इससे आइसोलेट की थी आपने क्या, आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यू कैन से दैट इज हिंद सेकेंड। हमारे पास में मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है, मोर देन 900, ठीक है, सो वी हैव मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और इसको बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट्स ओनली प्रेजेंट इन, ओनली स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा कट कहाँ करती है? स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट करती है किसको? कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कहाँ कट करेगी? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक साइट पे कट करेगी, एट स्पेसिफिक साइट, एट स्पेसिफिक साइट। क्लियर है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले निगरानी करती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं है, अगर इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला तो ये वहां पर फंक्शन करेगी, अदरवाइज ये वहां पर काम नहीं करेगी, सो रिक्वायर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिक्वायर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, जिसको आप चाहे ऐसे रीड कर लो, चाहे आप ऐसे रीड कर लो, चाहे 5' to 3' रीड कर लो, 3' to 5' रीड कर लो, वो एक जैसा ही दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल मैडम, MADAM. आप 5' to 3' पढ़ोगे तो भी MADM है. अगर आप रिवर्ट में पढ़ोगे, फॉरवर्ड पढ़ रहे हो तो भी MADM है, बैकवर्ड पढ़ रहे हो तो भी MADAM है. तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. इसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे यहां पर मैं एक सीक्वेंस यहां पर लिखती हूँ, बताना ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है, खुद सोचना. 5' पे एक मैं बता देती हूँ, एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन ड्रॉप कर दूंगी आप लोग के लिए. सो 5' पर देखिए ये सीक्वेंस है GATC. ये सीक्वेंस लेट सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस सीक्वेंस के ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी, तो आपको बताना है. तो हमें ये पता है कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर काम करता है, जिसको आप लोग 5' to 3' रीड कर लो या फिर 3' to 5' रीड कर लो, वो एक जैसा ही दिखेगा आपको, कोई इसमें चेंज नहीं होगा. तो आप 5' to 3' रीड कर रहे हो तो भी ये कैसा दिख रहा है, तो भी ये दिख रहा है आपको GATC, गैटक. क्या दिख रहा है? GATC, घातक, घातक, ठीक है. तो GATC, और आपसे पूछा गया है कि क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो हमें पता है कि हमारा जो जी है वो किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करता है, सी के साथ. ए किसके साथ करता है? टी के साथ. टी किसके साथ? ए के साथ. सी किसके साथ? जी के साथ. तो इसका 5' ये होता है, ये इसका 3' होगा कॉम्प्लीमेंट्री. तो जब हमने देखा इसको और हमने यहाँ से 5' से इसको रीड करना स्टार्ट किया तो भी ये GATC है. इधर से आप रीड करो तो भी GATC है, इधर से रीड करो तो भी GATC है. तो आप कह दोगे कि हाँ ये हमारा पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस है. ये क्या है? ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. ऐसे गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, क्योंकि CSIR आजकल अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो ये चीजें भी आप माइन्यूट माइन्यूट चीजें ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस ले लेते हैं यहां पर, जैसे कि GATGC. क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? लेट सपोज ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने कहा चेक कर लेते हैं हम लोग. तो इसका हम लोगों ने 5' और 3' ही हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बना के देखा. यहाँ पर जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए बना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा ए बना, इसका टी बनेगा, इसका ए बना, इसका आपका सी बना और इसका आपका जी बना. जब आप यहां से रीड कर रहे हो 5' to 3', तो 5' to 3' क्या दिख रहा है आपको? GATGC. जब आप इधर से रीड कर रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पर GCATC, GCATC. तो क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? नो. तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, नॉट पैलिंड्रोमिक. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यहाँ पर इसको कट नहीं करेगी. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ऐसी जर है जो कट करती है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट नहीं करेगी, लेकिन इसके ऊपर कट कर लेगी. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए उसको, जब तक उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं दिखेगा वो कट नहीं करेगी, ठीक है. वो सीजर जैसे हमारी नॉर्मल घरों में देखते हो कैंची, वो तो इसको तो कहीं पर भी जाके आप यूज कर लो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बोलती है कि मैं मोलिकुलर सीजर हूँ, मैं एक VIP सीजर हूँ, मैं ऐसे ही कट नहीं करूंगी. पहली शर्त तो मेरे को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा मैं तो ही कट करूंगी. दूसरी चीज, मैं केवल प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट हूँ, मैं प्रोकैरियोट्स में ही काम करूंगी, मैं ऐसे ही हर किसी में वर्क नहीं करूंगी, ठीक है. ये इसके कुछ यहाँ पर. और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलती है कि मेरी दो वैरायटी हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएज है, एक एंडोन्यूक्लिएज है. तो जो एक्सोन्यूक्लिएज है, जब आपको टर्मिनल पे किनारों पे कट लगवाना है तो आप इसको यूज कर लेना. एंडोन्यूक्लिएज अगर आपको इन बिटवीन कट लगवाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आप एंडोन्यूक्लियस को यूज करना. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं कि मेरी दो वैरायटी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे फंक्शन करना है बैक्टीरिया को, इनमें से यूज कर लेगा वो, ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो कैसे फंक्शन करती है. तो कितने टाइप की होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा पॉइंट है ये? दिस इज आवर 7th पॉइंट. तो न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करती है. न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड को कट करती है. ये डीएनए के ऊपर काम करती है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करती है, डीएनए आरएनए के ऊपर काम करेगी.
तो यहाँ पर क्या है, डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके की होती है आपकी, एक होती है आपकी एक्सो न्यूक्लियस और एक होती है आपकी एंडो न्यूक्लियस, एक होती है क्या एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो एक्सो न्यूक्लियस है वो क्या करती है, एक्सो न्यूक्लियस जो है ये टर्मिनल से कट करेगी, कहाँ कट करेगी, टर्मिनल कट लगाएगी। और जो एंडो न्यूक्लियस क्या है, ये क्या करेगी, इन बिटवीन कट लगाएगी। और क्या करती है, न्यूक्लियस है तो ये क्या करेगी, ब्रेक करती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, किसको ब्रेक करेगी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, अगर आप लोगों ने मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेसिक वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने इनडेप्थ बताया है, वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का 3' और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड का 3' OH और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5' फॉस्फेट, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नोमनक्लेचर के बारे में बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नोमनक्लेचर यानी नेम कैसे इसका रखा जाता है इसके बारे में बात करें, तो फॉर एग्जांपल इको आर वन की बात कर लेते हैं, तो इको आर वन है जैसे आपके पास में ई को आर वन, तो इको आर वन में आपका ई क्या है, को क्या है, आर क्या है, वन क्या है, ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ई है तो ई बताता है आपको जीनस, ये क्या बताता है जीनस, वो क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है स्पीसीज, वो क्या बताएगा कि कौन से स्पीसीज से बिलोंग कर रही है ये, आर बताता है स्ट्रेन कि कौन सा स्ट्रेन है, और फर्स्ट बताएगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन कि किस टाइम पर इसको आइसोलेट किया गया है, जैसे इको आर वन इको आर फाइव ऐसे पढ़ते हो ना, तो ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है कि पहले इसको आइसोलेट किया गया। और जीनस क्या है, ई जीनस बताता है, तो ई मतलब कौन सा जीनस है इसका, एस्क्रीशिया, स्पीसीज कौन सी है, कोलाई, ई कोलाई सुना ना, तो स्पीसीज कौन सी है कोलाई, स्ट्रेन कौन सा है आर Y13 और ऑर्डर क्या है आपका फर्स्ट, ठीक है। कैसे काम करती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक स्पेसिफिक साइट पे काम करती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे काम करती है, तो मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो एक स्पेसिफिक साइट पे काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, यहां पर SMA1 SMA1, तो यहाँ पर एक सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट्स सपोज GATC ये सीक्वेंस है, ये इसका 5' है, ये इसका 3' है, पहली कंडीशन तो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये आपका पैलिंड्रोमिक है, सी सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, इसका ए, इसका टी, इसका सी, तो इसको आप इधर से रीड कर लो या फिर इधर से रीड कर लो, GATC GATC यही दिखेगा आपको, इट मीन्स ये पैलिंड्रोमिक है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर सकती है। तो स्मा वन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करती है, तो स्मा वन जो एक स्पेसिफिक साइट यानी ए और टी के बीच में ही कट लगाएगी, वो इस तरीके से सीधा कट लगाएगी, और जब ये कट लगाती है तो इस तरीके से आपको दो स्ट्रैंड मिल जाते हैं अलग अलग, एक स्ट्रैंड आपको क्या मिल रहा है कि जो टी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए है, एक स्ट्रैंड आपको क्या मिला है, एक स्ट्रैंड आपको यहाँ पर मिला है क्या, जो सी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री जी है, दूसरा आपको क्या मिला यहाँ पर, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, तो यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग है, क्या है यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग, कंप्लीट पेयरिंग है। तो ऐसे जो एंड प्रोड्यूस किए हैं इसने, इसको बोला जाता है ब्लंट एंड, क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है ब्लंट एंड, क्या कहा जाता है ब्लंट, एक होता है ना कोई लोग होते हैं ऐसे मुंह पे बोल देते हैं कि बहुत ब्लंट है वो, ऐसे ही बोल देता है, तो इसको बोला जाता है ब्लंट एंड कि बिल्कुल कंप्लीट पेयर है, जो है सो है, बिल्कुल कंप्लीट पेयर है, कुछ छेड़खानी इसने की नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखो इको आर फाइव ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, स्मा वन ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, पी वी यू सेकेंड ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, ASE1 ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है, एंड ALU1 ये भी आपकी ब्लंट एंड प्रोड्यूस करती है।
दूसरी तरीके के एंजाइम एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी, जैसे ये जो एंजाइम्स है ECOR1, ठीक है, ये क्या करती है ECOR1, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करती है। ECOR1 क्या करती है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करती है। ये तो ब्लंट एंड था, ब्लंट एंड को एक और नाम से आप जानते हो क्या, फ्लश एंड। क्या जानते हो, फ्लश एंड, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट पेयरिंग है। दूसरा आपका होता है स्टिकी एंड, सेकेंड वन इज स्टिकी एंड। स्टिकी एंड क्या होते हैं, स्टिकी एंड ओवर हैंगिंग होते हैं, कंप्लीट पेयर नहीं होती, ओवर हैंगिंग या फिर स्टेगरिंग, स्टेगरिंग एंड, इनको इन नामों से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर जैसे ECOR1 है, जैसे यहाँ एक सीक्वेंस है GAATTC, ये जो सीक्वेंस है ना ये स्पेसिफिक होता है कि ECOR1 इसी सीक्वेंस पे काम करेगी, GAATTC है तो इसी पे काम करेगी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, कहीं पर जाके भी कट नहीं कर देती है। यहाँ मैंने पॉइंट लिखवाया है, दैट इज योर पॉइंट नंबर फिफ्थ। देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक साइट, जैसे अगर कोई एंजाइम अगर GATC सीक्वेंस पे कट करेगी तो GATC पे करेगी, और अगर वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करे तो वो ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस करेगी, तो स्पेसिफिक साइट पे कट करती है और उसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसे ही रेंडमली कहीं पर भी कट नहीं लगा देती रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पर क्या पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस है, तो आप देखो कि यहाँ पर ये जी है, ये आपका यहाँ पर ए है, ये ए है, ये टी है, ये टी है, ये सी है, तो आप इस 5' से इस 3' में जाओगे तो भी सिमिलरली आपको वही सीक्वेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ECOR1 का अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से कट लगाते हैं, एक कट यहाँ लगाएगी वो एंजाइम, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड के कहाँ कट लगाएगी, दूसरे स्ट्रैंड के यहाँ कट लगाएगी, दूसरे स्ट्रैंड के कहाँ कट लगाएगी, यहाँ कट लगाएगी। एक स्ट्रैंड के तो यहाँ कट लगाया, दूसरे स्ट्रैंड के यहाँ कट लगाया, यानी ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखिए आप, ऊपर वाले स्ट्रैंड में आप अगर आप देखोगे कट लगाने के बाद, गौर से देखिएगा, देखो दूसरे में कहाँ कट लगाया, यहाँ पर, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड अभी फोकस करो आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टिकी एंड से रिलेटेड। देखो जी अलग हो गया आपका, है ना, क्योंकि कट लगाया है, क्या क्या ये जी है, ए है, ए है, टी है, टी है, सी है, तो यहाँ कट लगाया है तो जी अपना अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना, कि जैसे कि अगर आपका ये यहाँ पर कोई क्लोथ है, क्लोथ में ये जी है, ये ए है, ये ए है, ये टी है, ये टी है, ये सी है, और आप कैंची से यहाँ कट कर रहे हो तो दो टुकड़े होंगे ना, जी अलग निकल लेगा और बाकी का ये वाला अलग निकल लेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर है जिसने कि जी के बाद कट लगाया है, तो जी अपना अलग हो गया और बाकी का जो सिक्वेंस है वो आपका अलग हो गया, दैट इज योर ATTC। नीचे वाले पे क्या हुआ है, नीचे वाले में यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ AATTC को, तो जी और दूसरा आपका यहाँ पर AATTC। नीचे देखें यहाँ पर, नीचे यहाँ पर जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सी, इसके अलावा यहाँ पर सी के साथ क्या है, यहाँ पर जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, लेकिन जो ये CTTA है ये एक साथ आएगा, तो यहाँ पर CTTAA, ठीक है, कट कहाँ लगा, यहाँ पर, तो यानी कि ये जी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जी किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले सी से, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये एंड दिखेंगे, क्लियर है। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कट लगा है, यहाँ पर कट लगा है, तब बस इस तरीके से बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी वाला एरिया जो है, जो जी है ये आपका अलग लिखा जाएगा इस तरीके से, और बाकी का जो एरिया है वो अलग से होगा, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से। यहाँ पर आप देखो कंप्लीट पेयरिंग नहीं है, ओवर हैंगिंग है, ठीक है, कंप्लीट पेयरिंग यहाँ आपको नहीं दिख रही है, देखो ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं, ओवर हैंगिंग नहीं, लटक रहे हैं यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, तो ओवर हैंगिंग यहाँ दिख रही है, तो दैट इज स्टिकी एंड यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कौन से एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, ECOR1 ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके अलावा BAMH1 ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, XHO1 ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, एंड HIND3 ये भी आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। अब आपने क्या किया है, अब आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से छोटे छोटे फ्रेगमेंट डीएनए के बना लिए, वो फ्रेगमेंट कंप्लीट पेयर्ड हो सकते हैं या फिर ओवर हैंगिंग हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हो बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या करते हो, सेपरेशन करते हो
डीएनए फ्रेगमेंट्स का, किसके हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सो यहां पर तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहां पर आपका इस तरीके से लोडर सीक्वेंस होगा, और आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका डीएनए सीक्वेंस लोड होता है। क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ आपका डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ रखा होगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज एनोड होगा, इसके अलावा यहां पर आपका एक जेल फिल्ड होगा, दैट इज योर एग्रोस जेल, एग्रोस जेल। तो जो आपका एग्रोस जेल होता है, अब क्योंकि आपका बायोकेमिस्ट्री से लिंक करके क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, तो एग्रोस जेल क्या है आपका, एग्रोस जेल आपका म्यूकोपोलीसेकेराइड है, एग्रोस जेल क्या है आपका, म्यूकोपोलीसेकेराइड। ठीक है, क्या है आपका, म्यूकोपोलीसेकेराइड, म्यूकोपोलीसेकेराइड। इसके अलावा ये एग्रोस जेल जो है, ये कहां से, एग्रोस को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एग्रोस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस एग्रोस को, एग्रोस जेल लाइक होता है, तो जेल लाइक होता है तो इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एल्गे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको आप बोलते हो सी विड, जो कि आपके रेड एल्गे होते, तो रेड एल्गे से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस एग्रोस को। और ये एग्रोस जेल जो होता है ये एज अ छननी काम करता है, छननी आपने देखा है ना घरों में छानने के जो काम आती है, तो ये डीएनए को छानने के काम करेगा, तो एज अ सीव काम करता है, एज अ छननी काम करता है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो डीएनए है, यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है। अब डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो डीएनए का आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से आपका डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है आपका, न्यूक्लियोटाइड में एक राइबो शुगर होगा, यहाँ पर आपका एटीजीसी बेस लगा होगा, और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, डीएनए कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव, और आपको पता है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर जो स्मॉल साइज के डीएनए, जो पतले पतले डीएनए स्मॉल साइज के, वो तो आगे आगे भाग के आ जाएंगे, लेकिन जो लार्ज साइज के वो पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो किसके बेस पे हो रहा है, सेपरेशन यहाँ पर डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो रहा है, सेपरेशन ऑफ डीएनए किस मैकेनिज्म के बेसिस पे काम करती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि स्मॉल साइज के जो है वो जल्दी यहाँ पर जल्दी आएंगे, यहाँ पर जल्दी मूव करेंगे एज कम्पेयर टू लार्ज साइज। ठीक है, इसके अलावा अब डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो तो आपके क्या हो गए, डीएनए फ्रेगमेंट आपके सेपरेट हो गए, स्मॉल साइज के जो है वो आगे दिख रहे हैं और लार्ज साइज के पीछे हैं। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद ईटीबीआर डाई का यूज करोगे, और ईटीबीआर डाई जो है आपकी ऑरेंज कलर की होती है, इथिडियम ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी होती है इथिडियम ब्रोमाइड, क्या फुल फॉर्म इसकी, इथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या होती है, ये ऑरेंज कलर की होती है, और जब इसको यूवी के प्रेजेंस में आप देखते हो तो आपको ऑरेंज कलर की बैंड आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ईटीबीआर होती है आपकी, ये क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में, ईटीबीआर क्या होती है आपकी, कार्सिनोजेनिक डाई होती है, ये ईटीबीआर डाई जो है ना ये कार्सिनोजेनिक डाई है, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि अगर थोड़ा सा ये आपके हाथ पे भी लग जाएगी तो स्किन कैंसर कर देगी, यानी कैंसर कोजिंग है ये। सो ईटीबीआर डाई क्या है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोजिंग है, कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, जो कि कैंसर का कोज कर सकते हैं, ऑन्कोजीन का ही टाइप है ये, काइंड ऑफ आप कह सकते हो, तो ईटीबीआर डाई आपकी कार्सिनोजेनिक डाई है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, डीएनए को सेपरेट कर दिया, फिर आप क्या करते हो, एक टैक्सी बुलाते हो, दैट इज योर वैक्टर, और इस वैक्टर में आप क्या करते हो, जो आपने डीएनए, जो आपका डिजायर डीएनए, जो अभी आपने फ्रेगमेंट जो है आपके आइसोलेट किए हैं, उसको क्या करते हो, इधर से इधर इस वैक्टर के साथ जोड़ देते हो, लेकिन वैक्टर में तो कोई जगह नहीं है यहाँ पर, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप वैक्टर को भी कट कर लोगे,
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से वेक्टर को कट किया, ऐसे स्पेस बन गया, यहाँ पर आप आपका क्या लगा दोगे, डिजायर्ड जीएनए। ये ऐसे नहीं जुड़ जाता, यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइगेज एंजाइम की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइगेज एंजाइम की। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आपने वेक्टर के जो एंड है उसको कट कर दिया थोड़ा सा, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, इस डीएनए को डाला। अब यहाँ क्या हो सकता है कि ये जो आपका वेक्टर है, वैसे तो ओरिएंटेशन 5' to 3', ये करेक्ट ओरिएंटेशन है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के लिए, लेकिन अगर आपका वेक्टर के साथ में जो डीएनए है गलत कंबाइन हो गया, 3' इधर आ गया, 5' इधर आ गया, ये क्या है, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। और क्या हो सकता है कि जुड़े ही ना वेक्टर, आपस में जुड़ के डीएनए जुड़ा ही नहीं, तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं जिसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं जानने के लिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कौन से में, ठीक है। तो स्टेप 4 आपका आता है कौन सा, स्टेप 4 आपका आता है यूज ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक व्हीकल, एक टैक्सी के जैसा काम करता है। वेक्टर भी आप कई तरीके के पढ़ोगे, आप जो मैं आपको करवाऊंगी, एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर, एक होते हैं आपके एक्सप्रेशन वेक्टर, और एक होते हैं शटल वेक्टर, जो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही, एक होते हैं आपके शटल वेक्टर। वैक्टर के जैसा कौन यूज करते हो आप, एज अ वैक्टर आप यूज कर सकते हो प्लाज्मिड को, जो कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियोफाज को यूज कर सकते हो, किसको यूज कर सकते हो, बैक्टीरियोफाज को, सॉरी यहाँ पर मेनली हम लोग प्लाज्मिड को यूज करते हैं, तो अभी के लिए प्लाज्मिड ध्यान रखो, बाकी डिटेल में और मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। तो मेन आप प्लाज्मिड ध्यान रखो, अभी के लिए बेसिक ही डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, उसको आप एज अ वेक्टर यूज कर सकते हो। तो इस प्लाज्मिड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्लाज्मिड क्या होता है आपका, प्लाज्मिड आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। तो अब अगर यहाँ पर प्लाज्मिड के बारे में, वेक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखोगे, तो वेक्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका, कुछ इस तरीके का, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होगा प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो आप, तो ये प्लाज्मिड है लेट सपोज, और प्लाज्मिड को यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ओराई साइट मिलेगी, ओराई साइट क्या होता है, ओरिजिन यहीं से स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हो ओराई को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से क्या होगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहां पर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होंगे, क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां के कट करेगी, और यहीं पर हमारा क्या होगा, यहीं पर हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो हमारा डिजायर डीएनए, यहीं पर आके अटैच होगा। तो यहाँ पर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होंगे, लेट सपोज यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी BAMH1, ठीक है, BAMH1, तो यहाँ पर प्रेजेंट है EcoR1, तो ये क्लोनिंग साइट है आपके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहीं पर आके कट करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अलावा यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी, लेट सपोज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, इसके अलावा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, तो ये क्या करेंगे आपकी, ये आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपका वेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहां देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो वेक्टर आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी मल्टीपल कॉपी खुद बनाएगा। इसके अलावा कॉपी नंबर अगर बात करें, तो कॉपी नंबर जैसे अगर यहां पर कॉपी नंबर क्या होता है कि कितनी कॉपी फॉर्म की है, जो आपका वेक्टर है, वेक्टर के साथ जो डीएनए है, ठीक है,
जैसे आपका वेक्टर है, वेक्टर के साथ आपका डिजायर्ड डीएनए गया, ये वेक्टर खुद रेप्लिकेट होना जानता है, ये होस्ट में चला गया, होस्ट में जाने के बाद में रेप्लिकेट करते 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 बहुत सारी कॉपी बने, तो बहुत सारी कॉपी के साथ जो आपका ये जो डीएनए है जो आपने आइसोलेट किया था, इसकी भी तो बहुत सारी कॉपियां बनेंगी। तो कॉपी नंबर क्या होता है? कॉपी नंबर होता है कि आपका जो डिजायर्ड जीन है उसकी कितनी कॉपी बना पा रहा है वो वैक्टर। सो नंबर ऑफ कॉपीज, फॉर्म्ड बाय वेक्टर डीएनए इन होस्ट सेल, होस्ट सेल। इसके अलावा अगर आप साइज के बारे में बात करोगे कि कैसा साइज होता है प्लाज्मिड का, तो स्मॉलर साइज, अगर छोटा साइज तो ट्रांसफॉर्मेशन उतना इजीली होगा, उतनी जल्दी वो होस्ट सेल में जाएगा। स्मॉलर द साइज मोर इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो स्क्रीनिंग या सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ प्रेजेंट होंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे, सिलेक्टेबल या फिर स्क्रीनिंग मार्कर जो प्रेजेंट होंगे वो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लस एंजाइमेटिक, दोनों बेसिस पे यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज योर स्टेप नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, दैट इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आपका वेक्टर और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो। तो आपके इस तरीके से आपका क्या होगा, जब आपका वेक्टर होगा और उसके साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये जब लाइगेट हो जाएगा तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है फॉर्म हो जाता है, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए भी इसको आप कहते हो। इसके बाद आप इसको होस्ट सेल में भेजते हो। स्टेप 6 क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है? होस्ट सेल में इसको भेजा जाता है। ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि यहां पर पहला तो कॉम्पिटेंसी जनरेट की जाएगी। पहला क्या किया जाएगा? पहला यहां पर कॉम्पिटेंसी जनरेट की जाएगी। सो टू जनरेट कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? उसको जो आपकी होस्ट सेल है उसको आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको रिसीव करने के लायक बनाना, कॉम्पिटेंट बनाना कि वो रिसीव कर सके, उसको इस काबिल बनाना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? इसके लिए आप डाइवेलेंट सॉल्यूशन का यूज करोगे। डाइवेलेंट सॉल्यूशन का यूज करोगे, डाइवेलेंट जिसके दो वैलेंसी, फॉर एग्जाम्पल CaCl2 जो है 2+ इसमें प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप जो आपका होस्ट सेल है, लेट सपोज ये आपका होस्ट सेल है, ये लेट सपोज ये आपके यहां पर होस्ट सेल है ये सारे, और इन होस्ट सेल को आप क्या करते हो? CaCl2 मीडियम में डाल देते हो। ये किसका है मीडियम? ये CaCl2 सॉल्यूशन है। CaCl2 सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाता है, ये जो होस्ट सेल है इनमें नंबर ऑफ पोर इंक्रीज हो जाएंगे। पोर समझ रहे हो, इस तरीके से जैसे होस्ट सेल है तो पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ पोर्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपका आसानी रहेगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जो आपका वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट हो वो इन स्पेस के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू क्या कर सकता है? इन पोर्स के थ्रू आपके होस्ट सेल में जा सकता है। सो चांसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन के वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर, जब आप इसको कॉम्पिटेंट बना देते हो बाय यूजिंग CaCl2, दैट इज योर डाइवेलेंट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी बैक्टीरियल सेल है, अगर होस्ट सेल आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हो कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करना है हमें तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो आप क्या करते हो? तो उस कंडीशन में आप हीट शॉक मेथड को यूज करते हो। किसको? हीट शॉक मेथड, यानी कि ज्यादा हीट देके शॉक देते हो किसको? जैसे पहले आप क्या करोगे, जैसे 42 डिग्री सेल्सियस पे आपने बैक्टीरियल सेल को रख दिया, फिर 0 डिग्री पे रख दिया, मतलब पहले हाई टेम्परेचर पे, फिर बिल्कुल कम टेम्परेचर पे, फिर बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे, तो उसको झटका सा लग रहा है सेल को कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही इसको आप हीट शॉक दोगे तो वैसे ही यहाँ पर क्या करोगे आप, जो आपका प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफोरेशन यानी हाई वोल्टेज यहां पर यूज करोगे आप बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करोगे, प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बायोलिस्टिक जीन गन मेथड को यूज करोगे क्योंकि इसमें किसका यूज किया जाता है, इसमें गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल का यूज किया जाता है, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स का यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गोल्ड और टंगस्टन होता है ये इनर्ट एलिमेंट होता है। इनर्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, नॉन रिएक्टिव होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे आपके जीन के साथ में। ठीक है, और क्या करते हो यहां पर, हाई वेलोसिटी बम्बार्डमेंट करते हो, हाई वेलोसिटी बम्बार्डमेंट यहां पर किया जाता है, और आपका इस तरीके से जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको यहां पर प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है। अगर आपको इंसर्ट करना है एनिमल सेल में, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है कहां पर, एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करोगे, एनिमल सेल में अगर आपको रिकॉम्बिनेंट को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो यू कैन यूज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। और माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के हेल्प से आप क्या करोगे, सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या कर दोगे, उसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर दोगे डायरेक्टली, इंजेक्टेड टू न्यूक्लियस डायरेक्टली। ठीक है, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। क्लियर। अब यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई कि चांसेस क्या हो सकते हैं कि जो आपके पास में आपने जो वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो आपने लाइगेट करवाया था, तो चांस ये हो सकता है कि सही लाइगेट हो गया, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, या फिर ये हो सकता है कि गलत ओरिएंटेशन में इनकरेक्ट लाइगेशन हो गया हो, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन में आपका जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जुड़ गया हो, या ऐसा हुआ हो कि वेक्टर वेक्टर ही जुड़ गया हो, ये चांसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आप कर रहे हो स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल जो है ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रांसफॉर्म्ड कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म जिनमें कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब वो ट्रांसफॉर्म सही हुआ है कि नहीं हुआ है हम पता लगाएंगे। देखिए, जैसे सेकंड और थर्ड सेल ट्रांसफॉर्म्ड सेल है क्योंकि इनके अंदर कुछ तो गया है, अब वो कुछ वही चीज गई जो हमें चाहिए है या फिर कुछ इनकरेक्ट गया है, इसके लिए हम लोग स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर योर स्क्रीनिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप सिलेक्शन भी बोलते हो। तो दो तरीके का हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यानी जो आप दवाई खा रहे हो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट है, मरेगा नहीं वो। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। दूसरा इनएक्टिवेशन जो कि आपका एंजाइमेटिक बेस्ड होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में बेसिक समझा देती हूँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग तब मैं आपको बताऊंगी रेप्लिका प्लेटिंग वगैरह के बारे में। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में क्या होता है, जैसे आपका यहां पर ये आपका वैक्टर है, ठीक है, और यहां पर आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, यहाँ आपका ओराए है, और यहाँ टेट्रासाइक्लिन है। आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरन डीएनए कहाँ आके लग गया, फॉरन डीएनए यहाँ आके लगा, आपका यहाँ आके इंसर्ट हुआ फॉरन डीएनए, यानी कि टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जगह थी उसको तो ऑक्यूपाई कर ली, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जगह तो खत्म। ठीक है, तो यानी टेट्रासाइक्लिन से तो नहीं बच सकता अब आपका ये वेक्टर, तो यहाँ कहाँ पर ग्रो करेगा, लेट सपोज आपके पास में ये टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आप दे रहे हो बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, दूसरा मीडियम यहाँ पर कौन सा है, दूसरा मीडियम यहाँ पर आपका एम्पीसिलिन है, तो बताइए ये बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन पे तो ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए जो इसकी रेजिस्टेंट पावर थी वो तो फॉरन डीएनए आने आके वो स्पेस ले लिया, वो खत्म कर दी, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए तो अभी रेजिस्टेंट है नहीं,
रेजिस्टेंट का मतलब है बचाव ये नहीं कर सकता, इसमें तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन एम्पिसिलिन में जब आप ग्रो करोगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में, तो एम्पिसिलिन जो है वो भी एक दवाई है जो इसको मारने के लिए आप यूज करो, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है आपके इस फैक्टर के पास में, इस रिकॉम्बिनेंट के पास में, तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर आपका ग्रो कर जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कैसे होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन PUC18 हम लोग यहां पर यूज करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन PUC18 वेक्टर को यूज करेंगे इनएक्टिवेशन। तो यहां पर क्या है, यहां पर इस तरीके से आपका ये वेक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड है इस तरीके से, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपकी लेक जेड जीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लेक जेड जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए क्या है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी अभी तक आपका डिजायर्ड डीएनए यहां पर लगा नहीं है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने आइसोलेट किया था वो लगा नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है लैकोपेरोन में आपने पढ़ा होगा लैक जेड जीन इनकोड फॉर अ एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्स गैल सबस्ट्रेट को यूज करती है एज अ सबस्ट्रेट एक्स गैल को, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इसको ब्लू कलर के कॉलोनी यहां पर मिलेंगे, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो यहां पर ये आपका वैक्टर है, यहां पर अब की बार ये रिकॉम्बिनेंट है, क्या है ये रिकॉम्बिनेंट, यानी आपका जो जीन है जो आपने आइसोलेट किया था, जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आपने आइसोलेट किया था, वो आपका यहां पर जो लैक जेड था, इस लैक जेड की जगह पर आकर आपका कौन लग गया, आपका फॉरेन डीएनए, आपका डीएनए लग गया यहां पर, डिजायर डीएनए जिसको बोल सकते हो आप, जिसको फॉरेन डीएनए बोल सकते हो आप, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो आप, ये आके यहां पर लग गया। अब यहां पर लेग जेड की जगह पर लग गया तो लेग जेड का तो काम खत्म, लेग जेड अब एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी जगह और कोई आके लग गया, यहां पर चिपक गया, ठीक है। तो अब लेग जेड एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए इनकोड नहीं करेगा, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए इनकोड ही नहीं कर रहा तो एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम ही नहीं कर रही तो एक्स गैल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां पर आपको केवल व्हाइट कलर के कॉलोनी आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आपने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट की स्क्रीनिंग कैसे कर ली कि अगर व्हाइट कॉलोनी है यानी आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो है, ये आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है, अगर लेग जेड कॉलोनी जो है वो सही सलामत है और ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर एंटीबायोटिक बेस पे कैसे स्क्रीनिंग की कि अगर आपका फॉरेन डीएनए गया ही नहीं है तो दोनों में ही ग्रो करेगा वो, लेकिन अगर एक में ग्रो कर रहा है इसका मतलब आपका फॉरेन डीएनए जो है वो चला गया है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये बेसिक लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कल से हम लोग इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग के बारे में, देन मैं उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको जब एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लोनिंग में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे और भी एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग लेग जेड स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे, रेप्लिका प्लेटिंग के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। एंड कुछ बच्चों का ये मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें सेल्फ स्टडी से, तो उसके लिए मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी, माइट बी टुमारो, तो कल आ जाएगा वो लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।